नमस्कार दोस्तों, आपका भी टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि MIUI का लेटेस्ट अपडेट के चेंज लॉग में आखिर क्या क्या चेंजेस हैं। तो आज अवेयरनेस डे, तो हर अवेयरनेस डे को Xiaomi अपने MI कम्युनिटी में चेंज लॉग के बारे में बताया जाता है। तो आज हम उसी चेंज लॉग के बारे में बात करने वाले हैं कि इस चेंज लॉग में आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पर MI कम्युनिटी आपको खोल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है स्नीक पीक ऑफ MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.8.2। तो इसका मतलब है 2 अगस्त 2018। तो अपडेट तो हमें 3 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो ये रोम पहले डेवलप कर देते हैं, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर है, जो कि है इसके चेन लॉक के बारे में। तो यहाँ पर पहला फिक्स किया गया है वो है नोटिफिकेशन एलईडी नॉट वर्किंग फॉर एप्स MI 5। तो अगर कोई ऐप का नोटिफिकेशन आता था तो नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक नहीं करती MI 5 में, तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा। नो नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखता था MIUI 10 में, MI 6 में, तो वो भी फिक्स कर दिया जाएगा। और लास्ट फिक्स यहाँ पर एक और है, जो कि नोटिफिकेशन एलईडी डज नॉट वर्क व्हेन अ मैसेज इज रिसीव। और जब मैसेज भी रिसीव होता था तो MI 5 पे नोटिफिकेशन लाइट नहीं जल रही थी, तो इसको 8.8.2 में फिक्स कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेडमी नोट 3 में अपडेट आएगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, वो अपडेट आपको फ्राइडे ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि आपको तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ मेंशन नहीं की गई है रेडमी नोट 3 के लिए, मगर अपडेट आपको ज़रूर मिलेगा। अब मैंने अभी थोड़ी बहुत यहाँ पर रिसर्च करी थी, मतलब मैंने यहाँ पर MI कम्युनिटी के चेन लॉग दूसरी तरह के खोले थे, तो वहाँ पर एक रशियन चेन लॉग था, तो वहाँ पर सेम यहाँ पर कंटेंट मेंशन था। वहाँ पर रेडमी नोट 3 का भी नाम मेंशन था कि आपको फ्राइडे अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उन सब में एक साथ ही अपडेट रोल आउट होता है, बस उनका कंट्री का सर्वर अलग होता है, हो गया रोल आउट, सेम अपडेट होता है सेम फीचर्स के साथ। तो हमें रेडमी नोट 3 में पक्का अपडेट देखने को मिलेगा फ्राइडे को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिएगा कि इस अपडेट में बहुत कम फीचर्स हैं। जो अभी पिछला अपडेट आया था हमारे रेडमी नोट 4 पे, उसमें आपने देखा ही होगा कि उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस थे इतने कम साइज़ के अपडेट में। तो जैसे कि अपडेट आता है तो अपडेट में बहुत सारे हिडन फीचर्स होते हैं, तो उन हिडन फीचर्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए MIUI के अपडेट से हिडन फीचर्स को ढूंढ के निकालता हूँ हर बीटा अपडेट में। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।